सुना सफर पर प्रेम नगर है, मिल पाएंगे क्या हम तुमसे, जो रात बीती सुबह तो आई ना। गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक टू द न्यू एपिसोड। तो भाई सबसे पहले आप सभी को नवरात्रों की बहुत बहुत शुभकामनाएं। फिलहाल आज हम जा रहे हैं चांदनी चौक की तरफ। चांदनी चौक इसलिए जा रहे हैं क्योंकि थोड़ी बहुत शॉपिंग करनी है। दिसंबर में एक्चुअली हमारे यहाँ कुछ फंक्शन वंक्शन है, तो उसके लिए एडवांस में शॉपिंग वॉपिंग कर रहे हैं। फिलहाल चलते चांदनी चौक और मौसी वोसी सब आ रहे हैं। तुम आगे तो भाई मौसी वोसी भी आ गए, तो अब चांदनी चौक के लिए रेडी, शॉपिंग के लिए रेडी। तो मौसी वोसी आज मुझे कपड़े वपड़े दिलाएगी सब, तो मौसी आज शॉपिंग कराएगी मुझे। तो चलते हैं, तगड़ी वाली शॉपिंग कराएगी आज। अब तो आस पास आ रही बारात, करना इंकार बार बार देना। चलो भाई फिलहाल पार्किंग वार्किंग लगा दिया, पर्ची वर्ची कटाते अपनी। जब भी मैं चांदनी चौक आता हूँ तो मुझे एक ही ख्याल आता है, मतलब एक ही चीज याद आती है। जब मैं कोर्स वोर्स करता था, मतलब फोटोग्राफी डिप्लोमा करता था, तो एक डेढ़ साल में मतलब इतना चांदनी चौक आया ना, इतना चांदनी चौक, मतलब जब भी मैं स्ट्रीट फोटो करने आता था तो हमें चांदनी चौक भाई, मतलब आंखें बंद कर करके पहुंच जाता था मैं, इतना आता था। एक डेढ़ साल तो मैं बहुत आया था यहाँ पे। सुबह 4-5 बजे तक निकल जाता था घर से, मतलब अर्ली मॉर्निंग तक निकल जाता था, एंड देन शाम को, मतलब शाम को घर पहुँचता था अपना फोटो वोटो लेके। और इतनी सारी फोटो की कलेक्शन रहती थी ना मेरे पास, अभी भी पड़ी हुई पूरी कलेक्शन, लेकिन इंस्टाग्राम में ज़्यादा डालते नहीं। फिलहाल आ रखे हैं साड़ियों वाली गली में, साड़ी वाले सेक्शन में, आप देखते कोई अच्छी शॉप, दैन उसके बाद सुबह शाम तक चलती रहेगी अपनी पूरी शॉपिंग। और साथ सुबह शाम तक कपड़े दिखते रहेंगे, पूरे ब्लॉग ही ब्लॉग में कपड़े ही कपड़े चलते रहेंगे, और हालत अपनी भी ख़राब होने वाली है पूरी। अब समझ ही सकते हो आप, जब मम्मी या मौसी निकलती शॉपिंग के लिए तो फिर कैसी हालत हो जाती है। 10 वाली दे देना ठीक है। चाय 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 पानी ले गए। शॉपिंग करने आए थे लेकिन यार लिफ्ट में देखो कैसे छुट गए पूरे गाइस, यहाँ पे पूरी जगह नहीं हो रही इन्होंने। पेट भी बड़ी मुश्किल से बंद हो रहा था, ये मौसी की वजह से लग रहा था। आगे दुकान, अब देखो हम आगे जाएंगे, अब लहंगे वाले सेक्शन में जा रहे हो भाई। डमी देख रहे हो, अभी मुझसे ही गिरा है पूरा का पूरा। वैसे अभी फिलहाल 4-5 दुकान से आ गए, लेकिन अभी कुछ समझ में नहीं आया, अभी भी घूम ही रहे हैं इधर उधर। 2:30 बज गए, अब देखते हैं मेन मार्केट साइड जाते हैं, थोड़ा वहाँ पे जाके देखते हैं। और गाइस यहाँ पे इधर कहीं होगी, और गाइस यहाँ पे आके पता चलता है कि कितना बड़ा बिजनेस चलता है सीरियसली। और इतने बड़े बड़े होलसेल में पूरा कटन लेके जाते हैं, पूरे व्यापारी आते हैं पता नहीं कहाँ से, इंडिया के पता नहीं कौन से कोने से, और पूरा यहाँ पे बिजनेस चलता है तगड़ा वाला। जब यहाँ के पूरे डिटेल्स में पता चलता है कि कैसे करते हैं लोग बिजनेस, और यहाँ से कपड़े से लेके इलेक्ट्रॉनिक से लेके A to Z आपको कुर्ता लहंगा वहंगा सब लड़कों का, ग्रूम ग्रूम्स का, दुल्हन का, ब्राइडल का, सब चीज़ का A to Z मिलता है सामान यहाँ पे। अपने आसपास कपड़ों की मार्केट हो जाती है, उधर के साइड आपकी इलेक्ट्रॉनिक जिसके अपने कैमरे वैमरे की दुकान उधर के साइड पर जाती है, और इधर इलेक्ट्रॉनिक्स की, और अंदर जाके वो इलेक्ट्रॉनिक हर चीज़ की, मतलब कपड़े वपड़े हर चीज़ A to Z के सामान का सारा मिल जाता है यहाँ पे। फिलहाल अभी थोड़ा बहुत सामान ले लिया है और अपनी हालत हो गई ख़राब। ये देखो अब पूरा चांदनी चौक में मुझे लेके घूमना पड़ेगा यार, ये पूरा का पूरा सामान। और इस क्राउड देखो, यहाँ तो क्राउड दिखाता हूँ मैं आप लोगों को, ये देखो पूरा आगे तक एकदम भरा भरा पूरा का पूरा मार्केट। और गाइस जब भी आप कभी भी फैमिली के साथ आओ ना शॉपिंग करने, तो समझ जाना आपकी रेल बनने वाली है, क्योंकि भाई लास्ट में सामान वामान जो भी बचता है वो हम उठाते हैं। देख लो भाई हम लड़के हैं ना, हमारे साथ ऐसा ही होता है। आधी शॉपिंग हो गई और आधी रह रही है फिलहाल, तब तक थोड़ा खाना पीने खाने के लिए आ रखे, थोड़े छोले भटूरे वगैरह खाऊंगा, कचौड़ी वचौड़ी लेते थोड़ा, और ये बाकी अपना सामान इतना सारा, आधा सामान है सिर्फ, अभी तो और जाएगा सामान। अपने आगे छोले भटूरे आ गई, और ये हो गई अपनी 2 कचौड़ी, बाकी कोल्ड ड्रिंक एंड लस्सी आ रही अपनी, उसको खाते हैं देन मिलते हैं आपसे। तो भाई अपना लंच डन हो गया यहाँ पे, हमने किया था कम धीनू में लंच किया था हमने, अपना लंच कंप्लीट हो गया। अब ये बैग पूरे भाई हालत ख़राब हो गई, पूरा संभालते इन्हें, अब एक दो काम और आ रखा है, देन उसके बाद सीधा घर। और देखो कितने सारे कटन से बस देख रहे हो, ये सारे होल सेल में इतने सारे जाते हैं कि दुकानों में पूरा, मतलब कह तो रहा हूँ मैं, एक A to Z सारा सामान मिलता है यहाँ पे। और ऐसे भर भर के आते हैं बिजनेसमैन, क्या बताएं इतना सब चीज़। खरीदारी के बाद थोड़ा अपना चैनल सब्सक्राइब हो रहा है, थैंक यू भैया। ओके थैंक यू भैया, कौन कौन कर रहा है, सबको पकड़ा दिया मैंने, कि भैया ने सभी को बोल दिया, थैंक यू सो मच, दोबारा फिर वेलकम है सर। तो थैंक यू सर, हम आएंगे ठीक है, पक्का आएंगे, डन आएंगे। भैया ने 50,000 रुपये लूट लिया हमसे, सब चीज़ कर दिया, कर्जा वर्जा करा दिया सारा भैया ने, जितना ले जाओ हमारा कर्जा हो गया भाई बहुत सारा। अब चलते सीधा घर की तरफ, और भैया की दुकान से भी काफ़ी खरीदारी कर दी हम लोगों ने, तो भैया अभी इंप्रेस हो गए फुल, और बाकी सबसे सब्सक्राइब करवा दिया मैं चैनल, वीडियो तो बनती रहेगी लेकिन सब्सक्राइबर भी बनने चाहिए ना, तो सब्सक्राइब कराते रहता हूँ, जो जहाँ पे जो भैया हंसा उससे सीधा सब्सक्राइब। देखो गाइस पूरी रात हो गई यार, जैसे कि मैंने कहा था ना कि सुबह से लेकर भैया रात हो जाएगी,
शॉपिंग करते करते और रात ही हो गई है। सो फाइनली गाइस अपना पूरा हो गई शॉपिंग, पूरी तो क्या 80% शॉपिंग हो गई, अब 20% अपना करेंगे अगले बार नेक्स्ट वीकेंड के आसपास, देन चलते हैं अब घर। रात भी हो गई, कम से कम 8:30 बजे का टाइम हो गया रात के, तो सीधा घर चलते हैं, फिर घर पे मिलते हैं आपसे। लाओ भैया सामान लाओ, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 और लो भैया एक कोने में ये भारी से शॉपिंग किधर, हाँ रख दे, नहीं आ जाएगा वैसे थोड़े देर, बस चलो बैठो। आज इतनी शॉपिंग हो चुकी है, बहुत ज्यादा शॉपिंग हुई भाई, बहुत ज्यादा। सो गाइस घर पहुंच गए अपना, अब गाड़ी में लगा दिया पार्किंग में, अब जा रहे हम सीधा मामा के घर। एक्चुअली अपने मामा का बर्थडे है आज, तो थोड़ा बहुत सेलिब्रेशन होता है, तो चलते हैं मामा के घर। हेलो एवरीवन, हैप्पी बर्थडे मामा, फर्स्ट हैप्पी बर्थडे बोल दो मेरे मामा को, हैप्पी बर्थडे हियर विद माय नानी। हेलो करो, हेलो कंचो, गुड। तो मिलते हैं ना इससे पहले, पार्टी वार्टी देते हैं, आज नानी के लड़के का बर्थडे तो भैया पार्टी वार्टी ले लेते हम। तो गाइस फिलहाल अभी घर जा चुके हैं अपने मामा के घर से डिनर विनर करके, अब फिलहाल रात के बज रहे हैं 12 एंड वॉइस अब व्लॉग करता हूँ मैं एंड यहाँ पे। एक्चुअली बहुत थक चुका हूँ मैं एंड हालत ख़राब हो चुकी है क्योंकि सुबह से इधर उधर हो रहा था, तो हाँ तो व्लॉग भी ज़्यादा मैंने बनाया नहीं, इसलिए छोटा व्लॉग बना हुआ ये, तो फिलहाल इस व्लॉग को करते हैं एंड। अगर आपको मुझे अच्छी लगी वीडियो को प्लीज़ लाइक कर देना, शेयर कर देना, कमेंट कर देना, और जिसने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना। एंड रही बात ट्रिप की, ट्रिप एक आधे में मैं आपको बता दूंगा, एक दो ब्लॉग में मतलब आपको मैं कंफर्म कर दूंगा कैसे जा रहा हूँ, गाड़ी लेके जाऊँगा या तो अपनी स्कूटी लेके जाऊँगा, 80% लगता है मैं स्कूटी से ही जाऊँगा अपना, तो हाँ ठीक है। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में, जैसे भी रहेगा बता दूंगा आपको। टिल देन बाय, पीस।